फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स एंड बेबी लाइफ। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पिछला वीडियो मेरा जो था, ये मैंने बताया था आपको कि लड़का और लड़की की जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं और कौन सी भ्रांतियां हैं जो फैली हुई। तो आपने आगे तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रेग्नेंट है तो वो वीडियो जाके देख सकती है, बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो है वो आपके लिए। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरा नेक्स्ट डे का भी है, तो मैं जो है आज एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, और मतलब लॉन्च तो बहुत पहले से हुआ है लेकिन अभी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। तो मेरा, आपको जैसे कि पता है कि मेरा छोटा सा बेबी है जो अभी 2 मंथ का है, तो उसके लिए मैं कौन सा सोप यूज करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि मैं इसको शेयर करूँ, क्योंकि आपको पता ही है जो बेबी होती है उसकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। हर चीजें, मतलब हर तरह तरह की चीजें जो मार्केट में लॉन्च हो रही है उसे हम अपने बेबी के ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एक इस नए प्रोडक्ट के बारे में वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, और बिल्कुल ट्रूली जो चीजें हैं वही आप सबके सामने शेयर करूंगी। तो जो मेरा आपसे अभी जो मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, मामाअर्थ का है मॉइस्चराइजिंग फॉर बेबीज, और ये जो है बाथिंग के लिए है। बेबी का जो है, आपको पता है कि जो हम बेबी को नहलाते वक्त ऐसी चीजें यूज करना चाहेंगे जो पूरी तरीके से टॉक्सिन फ्री हो, साथ ही साथ जो है उसका जो पीएच बैलेंस हो वो मेंटेन हो, और इसके साथ जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट हो, ये चीजें हो सारी चीजें। तो ये 0+ मंथ के लिए, यानी आप 0 मंथ से, यानी आप अपने बच्चे को अगर फर्स्ट डे नहलाते हैं तब से आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसका जो वेट है वो 75 ग्राम है, और इसके साथ क्योंकि इसमें 2 सॉप मिलेंगे आपको, और इसका जो रेट है वो 249 है, यानी आपको 249 में 2 सॉप मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको एक चीज बता दें, ये जो है एशिया में टेस्टेड है, यानी आप इसे जो है यूज करेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो केमिकल है हो या कुछ भी जो बच्चे के लिए यूजफुल ना हो। तो बच्चे के लिए यूजफुल है, बच्चे के लिए आप अपने बच्चे की स्किन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको यूज करने से बेबी का कलर भी, जैसा अगर बेबी फेयर है तो फेयर ही बना रहता है, उसका जो कलर है वो जो है ब्राइट ही रहेगा और डार्क कलर नहीं होता है। और विंटर आने वाला है, मुझे लगता है कि इसको यूज करने के बाद जो बेबी की स्किन है बहुत ज्यादा शाइन करती है, और बिल्कुल जैसे ग्लास के जैसे जो है, जैसे ग्लास होता है ना वैसे बिल्कुल शाइन करती है। आपको बता दें कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारी ही चीजें हैं जो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत, मतलब इसको ऐसा है जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे गोट, सबसे ज्यादा बताया आपको जिसमें यूज हुई है गोट मिल्क हुई है। आपको पता है बकरी का जो दूध होता है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यूजफुल होता है, और उससे बना ये सोबिन, ये जो साबुन है, और उसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड है जो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, और लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंड्स अच्छे हैं। मैं अपने आदमी के लिए इसे यूज करती हूँ, किसी जो है वीडियो में उसको नहलाने वाला वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको खुद दिखाऊंगी मैं इसी साबुन से। और फ्रेंड्स, ये कोई ऐड के लिए मैं ये साबुन मैंने है खुद परचेज करा है, और बहुत सारा मैंने मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, मैंने बहुत सारे चीज यूज किया लेकिन उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन जब से मैंने इसे यूज किया तो इससे बहुत अच्छी स्किन रहती है आद्विक की, और उसका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से शाइन करता है। और जैसे कि आप उसका वीडियो भी है आप देख सकते हैं, और उसका कलर बहुत ज्यादा फेयर था, लेकिन अगर आप इधर उधर की चीजें यूज करते हैं तो बच्चे का कलर धीरे धीरे डार्क होता जाता है, तो हमें लगता है कि उसका कलर, ऐसे बच्चों का कलर जो है फेड होता चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप उसमें सही चीज आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए उसका कलर ब्राइट ही बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, जहां तक मैंने इसके बारे में बताया आपको, इनका पूरा डिटेल कैसे कैसे ये मतलब जैसे हमें होता है ना कि हम नए नए पेरेंट्स बनते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या चीज यूज करना है क्या चीज नहीं यूज करना है, तो ये जो जिन्होंने इसका जो है जिनकी स्टार्टिंग करी है इस सारे प्रोडक्ट की, वो खुद भी एक पेरेंट्स थे, उनको भी ये सिचुएशन झेलनी पड़ी थी, उसके बाद इन्होंने खुद का अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, और धीरे धीरे आज इन्हें सब जानते हैं, और ज्यादातर जिनके घर में बेबी है हर घर में आपको इनके प्रोडक्ट दिखाई देंगे। तो मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरा इनसे कोई ऐसा नहीं कि मैं इनको इनका जो है देख करके ऐड बना रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, इनके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इनका डस्टिंग पाउडर हो गया, इनका सोप हो गया बेबी का, इनका बाथिंग जो होता है वो सारा, मतलब इनका जो भी चीज है बेबी से रिलेटेड है वो सारी चीजें अच्छी, टमी रोल, यानी जो मतलब अगर बच्चों के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रहा है, तो बिल्कुल टमी के पास थोड़ा थोड़ा नेवल के पास लगा दीजिए, उसके बाद देखिए कि कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट वो 3 मंथ से बेबी के
के लिए स्टार्ट होता है, तो जब मैं उसको जो है मुझे जब मैं अपने बेबी के लिए यूज करूंगी, क्योंकि अभी उसको सिर्फ 2 ही मंथ हुए हैं, तो मैं उसके बहुत जल्दी वीडियो आपको दे दूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो साबुन है बहुत अच्छा है, इसमें जो भी चीजें बटर वगैरह जो भी चीजें ऐड है, गोट मिल्क हो गया और लेवेंडर ऑयल और जो चीजें हैं फ्रेंड्स, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, बच्चे की स्किन के लिए हेल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छी, और इसमें लिखा भी है। और सबसे ज्यादा साबुन ऐसा यूज करिए जो बच्चे के पीएच बैलेंस को मेंटेन करे, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक चीज होता है कि हम साबुन कैसा यूज कर रहे हैं और वो टेस्टेड है नहीं है, टॉक्सिन फ्री है या नहीं है, और टेस्टेड है या नहीं, मतलब ऐसी सारी चीजें माइंड में हमारे डाइवर्ट होती रहती है। तो हमें ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो बच्चे के लिए यूजफुल हो, बच्चे के लिए उससे बच्चे की स्किन हेल्दी हो, बच्चे की कोई स्किन में डैमेज ना हो, कोई स्किन में प्रॉब्लम ना आए, रैसेस ना हो, पिंपल्स ना हो। तो ये सारी चीजें ही मेरी जो मैंने खुद का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें खरा उतरा है, तो मैंने इसलिए इसका वीडियो दिया है। इसके बारे में और जानकारी आपको लेनी हो, इसका पूरा चीज लिखा है, आई एम मम अर्थ मॉइस्चराइजिंग बाथिंग बार, आई जेंटली क्लीनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग, मतलब पूरा चीज में जो चीजें लिखा है कि मैं सिर्फ, मतलब ये जो साबुन है सिर्फ किड्स के लिए यूज होता है, क्योंकि किड्स की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव होती है, और जो इसमें चीजें यूज हुई जैसे मैंने आपको बताया वो सारी चीजें लिखी है। आई लिव योर बेबीज स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, आपको पता है इसमें ये भी लिखा है कि मैं जो मेरा जो साबुन है वो पीएच बैलेंस यानी 5.5% पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, और विच आई आइडियल फॉर बेबीज हेल्दी स्किन। और आपको पता है जैसे हम की डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, आई डू नॉट इरिटेट डेलिकेट स्किन ऑफ बेबीज, आई एम कम्प्लीटली फ्री ऑफ टॉक्सिन लाइक SLES। इसका जो है फुल फॉर्म आप जो है डालेंगे नेट में आ जाएगा, तो आप इसे जरूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, बेबी के स्किन को पूरी तरीके से क्लीन करता है। लिखा है आइडियल फॉर डेली यूज, आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, सुटेबल फॉर न्यू बॉर्न सेंसिटिव स्किन, तो जरूर यूज करिए, यूज करके बताइएगा कैसा लगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और यूज करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको, मुझे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए, आप भी यूज करके जरूर बताइएगा।